जी, राम राम जी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं अच्छी हूँ। तो आज की वीडियो बरसात से स्टार्ट हुई है। जी हाँ, हो रही है बरसात। और यहाँ पर हमारे दो तीन बर्तन भी रखे थे, वे साफ़ करने थे। जैसे ही मैं साफ़ करने के लिए चली, बहुत तेज़ बारिश आ गई, फिर मैं भी अंदर आ गई। बरसात जो है बहुत तेज़ी से, ज़ोरों शोरों से हो रही है। और हमारे यहाँ है ना, जब भी बारिश होती है बगड़ में पानी भर जाता है बहुत जल्दी। आज की बात नहीं है, जब पहले टावर नहीं था तब भी ऐसा ही था। अब भी आप लोग देख सकते हो, मतलब इतनी तेज़ बारिश थी कि बरामदे तक आ रही थी। और ये हमारा चूल्हा जो है वो भी भीग गया था। मतलब फिर बाहर जाने की हिम्मत नहीं थी कि तसला है, कट्टा वगैरह उठा लाऊँ, कुछ एक दो कट्टे पहाड़ सूख रहे थे वो उठा के मैं इस पे ला के डाल दूँ, पर हिम्मत ही नहीं हुई। ये देखिए पानी भरना स्टार्ट हो गया है। जब भी बारिश होती है बस यही होता है। नल का देखिए किस तरह से दिख रहा है, ट्रॉली वगैरह सब भीग रहे। बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ा मन लग रहा था। तेज़ बारिश हो रही थी और फिर बारिश कुछ मंदी हुई और रवनी ने नहाना स्टार्ट कर दिया। मम्मी मैं नहाना चाहती हूँ बारिश में। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, नहा लो बेटा, गर्मी हो रही है। बड़े इंजॉय कर रही थी, ट्रॉली पे नहा रही थी। मैंने कहा चल नहा ले, नीचे तो बहुत कीचड़ हो रहा था और गिर जाएगी रपट के। तो वो ट्रॉली पे ही नहा रही थी और डांस भी कर रही थी। उसका बहुत मन लगता है बारिश पे नहाने में। और अभी जो है, आज जैसे बारिश हो रही है तो कुछ हो जाए पकवान, कुछ पकवान बना लेते हैं जब बारिश हो रही है। बरसात के मौसम में ज़्यादातर ब्रेड पकौड़े हों या पकौड़ी हो या पराठे हों, आलू के, ऐसी चीज़ें बहुत टेस्टी लगती है। वो बोलते हैं ना कि बरसात में कुछ खाने का अलग ही मज़ा होता है, कुछ पकवान वकवान खाने का अलग ही मज़ा होता है। और हम जब लोग छोटे थे ना, अपने घर पे हमारी मम्मी जब बारिश पड़ती थी तो हम लोग मम्मी को बोलते थे कि मम्मी बारिश हो रही है आप पकौड़ी बना लीजिए बस। तो मेरे घर के मतलब सारे कहने लगते थे कि भाई हाँ भाई बरसात हो रही है तो आज तो पकौड़ी हो जाए। तो मम्मी है ना हम सबके लिए फिर पकौड़ी बना देती थी। तो वही मेरे आज याद आया और मैंने सोचा कि बरसात हो ही नहीं है तो चलिए पकौड़ी बना लेते हैं। और यहाँ पर मैंने आलू प्याज काट लिए थे, उनमें बेसन वगैरह सब रला लिए थे। बस पकौड़ी बताना स्टार्ट कर देते हैं। और मेरे बच्चे जो हैं वो बोले कि मम्मी हाँ सच में बरसात हो रही है, कुछ बना लो। मेरा वैसे ही मन कर रहा था, मैं बना ही रही थी, फिर बच्चे भी थोड़ा सा खा लेंगे। जो चीज़ है ना चाह कर खा ले वो ज़्यादा बेटर है। और अभी हमने ना एक एक करके पकौड़ी उतारनी स्टार्ट कर दिया है। तो मैंने थोड़ा सा एक साइड मैंने कढ़ाई में दूध पका लिया है। जी हाँ, मैं जिस भगोने में दूध पकाती हूँ ना उसमें, अब मेरे पास में दूसरा भगोना ऐसा नहीं है। तो कभी मेरे को कढ़ाई में पकाना पड़ता है, कभी मेरे को भगोने में पकाना पड़ता है। तो वो भगोने में रोज़ पकाना भी ठीक नहीं है क्योंकि उसमें रात भर का फिर दूध रखा रहता है। तो एक दिन ख़राब हो गया था, जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया था, फिर वाइट वाले रसगुल्ले बनाए थे मैंने। तो इस वजह से मैं कभी कढ़ाई में कभी भगोने में ऐसे पकाती रहती हूँ, बर्तन चेंज करती रहती हूँ। और एक साइड में उतार रही हूँ पकौड़ी, तो आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। और मेरे को एक भगोना और लेना है पर धीरे धीरे, और कढ़ाई भी लेनी है, धीरे धीरे होंगी ये सारी चीज़ें। और अभी हम लोग है ना यहाँ बैठे हुए थे तो थोड़ा सा आप लोगों को कायरव का दिखा देते हैं। तो वो खा रहा है पकौड़ी, बाबूजी पकौड़ी खाने में लगे हुए हैं और मैं बना रही थी और वो खा रहा था कि मम्मी मेरे को भी खानी है। मैंने कहा चलो इसको भी दे दो, ये खाएगा। और यहाँ ये आ रही थी गुड़सल, तो इसको पकौड़ी डाल दी मम्मी ने, ये उठाकर चल दी घर। पता नहीं क्या इसको गर्म लगी क्या है, इन्हें छोड़ के और फिर ये इधर उधर हो गई, गर्म हो रही होगी शायद। और बारिश हो चुकी है पूरी तरीके से बंद। अभी जो है आप लोगों को थोड़ा सा छत से ऊपर का नज़ारा दिखा देते हैं और ऊपर कैसी हालत हो रही है, कैसा लग रहा है नीचे का, मतलब बरसात होकर किस तरह का लगा ये देखिए। हाँ, हमारे छत पे से हमारा बगड़ बहुत प्यारा लगता है, बस थोड़ा सा टावर की वजह से गिर गया। नहीं काफ़ी बड़ा बगड़ था, बहुत सुंदर लगता था, बड़ा अजीब सा लगता है। टावर में इतना ज़्यादा घास हो रहा है, उनको भैया को बोला कि इसको साफ़ कराओ जल्दी से, साफ सिलेंडर भी आने का डर रहता है। और ये देखिए छत पर भी काफ़ी सारे सामान रखे हुए हैं, उपले रखे हुए थे जो मम्मी ने बना रखे थे वो सब गीले हो गए।
और ये देखिए सामने है ना हमारे यहाँ पर घर भी है और खेत भी है। ये बड़ा प्यारा लगता है, काफ़ी सारी जगह है और ये रास्ता है। तो थोड़ा सा यहाँ की भी वीडियो बनाई, सोचा कि आप लोगों को थोड़ा सा एक बार ना पूरा नज़ारा गांव का दिखा देते हैं। बरसात होने के बाद में आप पेड़ पौधे देख सकते हो कितने प्यारे लगते हैं, कलर बिल्कुल चेंज कुछ कैमरे का कलर चेंज हो रहा है, उसके लिए सॉरी, क्योंकि हमारी है गुड़िया रानी, वो कैमरे का कलर चेंज कर देती है। आज उसने चेंज कर दिया, आप लोगों का अजीब लग रहा होगा, तो नॉर्मल कैमरा नहीं है ये। और अभी ये देखिए इधर चाचा जी और का मकान है, मेरे चाची ससुर चाचा ससुर का, उनके यहाँ की थोड़ी सी वीडियो बनाई, वो भी आप लोगों को दिखाया। तो ये था कि बस थोड़ा सा ना छत का आप लोगों का ना दिखा देते हैं। इधर टावर है हमारे घर में तो है ही, एक पीछे भी टावर है। और अभी हम लोग चलते हैं वापस नीचे और थोड़ा सा यहाँ का आप लोगों को दिखा कर चलते हैं इनके यहाँ का। और अभी बस नीचे की ओर चलते हैं, जिन्ने का भी दिखाया थोड़ा सा। तो आपको दिख रहा होगा क्योंकि मैं नहा रही थी, जो मुझे लोग ये कहते हैं अपनी क्यूटी है। हाँ मैं क्यूटी हूँ, आप भी सबसे क्यूट हैं क्योंकि आप मेरा बहुत ख्याल रखते हो। और आप तो सोचते हो क्योंकि हम कैसे कैमरा बदलते हैं वो आपको जल्दी से पता चल जाएगा। तो फिर हमने आपको जो वीडियो दिखाई है वो आपको आपके सरप्राइज में आपको अच्छी लगी होगी। तो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो अभी जो है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बरसात ज़्यादा हो गई ना, कई दिन से बराबर बरसात हो रही है, कभी आ जाती है कभी बंद हो जाती है, तो इस वजह से बहुत परेशानी पड़ रही है। और ये यहाँ पर टावर में अंदर है ना, ये जो मतलब ट्रॉली का ढक्कन है, मतलब जो साइड में बोलते हैं तख्ता, ढक्कन बोल रही हूँ, तख्ता है, उसको है ना अंदर रख दिया था भाई साहब ने, और इन्होंने और दूसरे भाई साहब भी थे, इस वजह से रखा था ये, क्योंकि बारिश पड़ रही है और ये यहाँ नीचे पड़ा था, ये गल रहा था। ट्रॉली में जब खत वगैरह भरते हैं जब जाता है, तो इस वजह से उसको अंदर लगा कर रख दिया इन्होंने। और ये टावर अंदर छाँव में टीन पड़ी है, वहाँ रख दिया, फिलहाल बरसात बंद हो गई थी। और ये लोग है ना अपने काम में लग रहे थे, मैं थोड़ा सा इधर चाची जी के पास खड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं। और कायरों को देखे, रस्सी पे से जितने कपड़े हैं वो सारे उतार रहा था। और ये मतलब इधर मैं कपड़े डालती नहीं जल्दी सी, क्योंकि जहाँ तक ट्रॉली तक इसका आ जाता है सबको उतार लेता है। मुझे कह रहा था कि मम्मी ले लो ले लो, मैंने कहा बस बेटा मत उतारो, फिर सुखा रहा था बस यही। ये देखिए इसको अंदर रख रहे हैं चारों जने मिलके, मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर के बाद। मैं अभी वीडियो का एंड करती हूँ, आप लोगों से बात करती हूँ। तो कल मुझे कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी कैमरे में लाकर आप अपने पति से बात कर रहे हो तो रिश्ते बिगड़ेंगे सुधरेंगे नहीं। कैमरे में लाकर बात करने का मेरा कोई मुद्दा नहीं था, ना मैं कैमरे में लाकर बात करना चाहती थी, कैमरे में लाकर बात ना मैं ये दिखाकर आप लोगों को ये दिखाना चाहती हूँ कि मैं अच्छी हूँ वो बुरे हैं, सिंपैथी नहीं बटोरना चाहती हूँ, बटोरना कह रही सॉरी, क्योंकि मैंने सिर्फ बात भी आप लोगों को कहने की वजह से की थी कि भाई जाओ बात करो। मैंने कल भी एक बात बोली थी, नहीं पैसे नहीं है, कल भी मैंने एक बात बोली थी कि उनको है ना कैमरे में आने से दिक्कत नहीं है, कैमरे के सामने आके बोलने से दिक्कत है, वैसे नहीं वो कैमरे में आकर कुछ बोलना चाहते हैं, वैसे काम कर रहे हैं तो बना लूँ, कभी मना नहीं करते कभी मना कर देते हैं, मतलब मूडी आदमी है एक तरीके से। मैं उनको बुरा नहीं बोलती, मैंने पहले भी बोला था समय बुरा है, समय अच्छा नहीं है, साथ समय ही ख़राब है, ये सब चल रहा है। तो कुछ लोगों ने मेरे को ये भी बोला कि दीदी आप वीडियो के चक्कर में रिश्ते मत बिगाड़ो और आप ये यूट्यूब छोड़ दो। उन्हें मेरी यूट्यूब से दिक्कत नहीं है, बस पता नहीं, देखिए अगर यूट्यूब से दिक्कत होती तो पहले जितनी वीडियो थी उनमें आते थे, वो कभी मना नहीं किया, पहले आते थे, आप लोगों ने देखा भी होगा, जो लोग मेरे शुरू से ब्लॉग देखते रहे वो लोग जानते हैं वो शुरू की वीडियो में आते थे। फिर पता नहीं उनको क्या हुआ क्या नहीं, क्या उनके दिमाग में आई कैमरे के सामने, तो वो पहले भी कभी आकर नहीं बोल रहे, आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में आ जाते थे, साथ बैठे हुए आ जाते थे, बस घर में छोटी मोटी बातों पर तनाव हो जाता था। और बात जो है ना छोटी छोटी बातें कभी बड़ी बड़ी बातों का रूप ले लेते हैं, और घर में पता नहीं क्या हो जाए क्या नहीं, सब बातें नहीं बोल सकते ना मीडिया में आकर हम लोग, बस ऐसा कुछ हुआ कि सब चीज़ें उलट पुलट हो गई। और मेरे यूट्यूब से दिक्कत नहीं आई, मेरी इनकम से दिक्कत नहीं आई, इनकम तो उनको पता है, जो भी मैं कर रही हूँ वो कहीं ले कर नहीं जाऊँगी, वो सब इन्हीं के पास में रहनी है, इनके बच्चों के काम आनी है, घर में काम आएगी, मैं कहीं नहीं लेके जाऊंगी अलग से, उसको छाती पे रख के ले जाऊंगी, बड़े बोलते हैं कि हम छाती पे रख के नहीं ले जाएंगे, वही बात है, मैं अगर मर गई तो मैं कौन सा अपने साथ लेके जाऊंगी, इनकम इनके बच्चों के पास रहेगी, इनके पास रहेगी, बस यही है। पर इन लोगों को ये बात थोड़ी समझ में कम आ रही है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगी, टाइम लगेगा थोड़ा सा इस बात को लेके, तो बस यही वजह है और कोई वजह नहीं है। और मैं नहीं बोल किसी को भला बुरा बोल रही हूँ, बस आप लोग कह रहे थे कि कैमरे के सामने आकर नहीं करना, ना आपको कैमरे के सामने बात करनी,
तो ठीक है, वो मैं नहीं आगे से नहीं करूँगा, आगे से नहीं करूँगा, अब नहीं अच्छी बात नहीं है। पर्स ला उठा, तो ठीक है आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगी, बस अब मैंने ये कोशिश आप लोगों के कहने से कर ली, अब कोशिश भी नहीं करूँगी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि रिश्तों में और ज़्यादा खटास पड़े, और ज़्यादा बिगाड़ आए, और ज़्यादा बिगाड़ का मतलब यह कर दिया। और रही मेरी बात नौकरी की कि आप दूसरी नौकरी कर लो, मेरा छोटा बच्चा है, मैं दूसरी नौकरी नहीं कर सकती, अभी एक नौकरी है घर बैठ कर, ये अभी एक नौकरी है जो मैं घर बैठ कर कर रही हूँ, दो पैसे कमा रही हूँ, उसमें ही हो रहा है बच्चों का गुजारा तो हो ही रहा है, और भी कुछ नहीं, इन बच्चों का इन बच्चों का खर्च तो चल ही रहा है, इसी यूट्यूब से जो भी इनकम होती है उसमें मैं पूरा पढ़ लेती हूँ अपना और बच्चों का, यही काफ़ी है मेरे लिए, और मैं बाहर की जॉब नहीं कर सकती अभी फिलहाल, इतना मेरा बच्चा छोटा है, ना मैं यूट्यूब छोड़ सकती। कुछ लोग बोल रहे थे कि छोड़ दो, उस इस बात से दिक्कत नहीं है कि मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाऊँ, दिक्कत इस बात से है कि एक तो सामने से आकर बोलना नहीं, और एक पता नहीं किस, एक ही परेशानी पता है, दूसरी मेरे को नहीं पता, पर मैं सोचती हूँ कि शायद समय के साथ सब सही हो जाए। और बस आप लोगों ने, जिन लोगों ने बोला कैमरे के सामने बात नहीं करनी थी, कैमरे में लगा रहे हो आप, कैमरे के लिए वीडियो बनाई, कैमरे के लिए नहीं बनाई, सिर्फ आप लोगों के लिए मैं एक बार वहाँ गई थी, और वो वीडियो मैंने इसलिए बनाई कि शायद वो सामने से बोल ले, बात कर ले, पर बात नहीं करी, बहस होगी और बिना मतलब की। तो चलिए मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, इस मुद्दे को छोड़ देते हैं यहीं, और मिलूँगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।